वेलकम टू माई चैनल। इन द ई क्लासेस की सीरीज में हम आज पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और ये ऑर्गेनिज्म होंगे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्यों होता है? यह स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए, इट कंटिन्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। हर एनिमल प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है ताकि वो अपने जैसा ही एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। जैसे प्लांट्स में फ्रूटिंग होती है, फ्रूट के जो सीड है वो उगते हैं, उससे नया पौधा बन जाता है, फिर उसके जो फ्रूट्स होंगे उससे भी नया सीड से नया पौधा बनेगा। तो जो ये पास ऑन हो रहा है जनरेशन का, तो ये रिप्रोडक्शन के कारण ही होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू यंग वंस, न्यू ऑफस्प्रिंग्स। नए बच्चे पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है? बच्चों, रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होते, उसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड इट अकर्स विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। बिना गैमेट फॉर्मेशन के न्यू यंग वंस बन जाते हैं, फॉर्मेशंस, फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिंगल पेरेंट होता है, सोमेटिक सेल से जनरेट होते हैं। तो इसको सोमेटिक सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो इसे फिर सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। नोट्स के लिए मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से है, आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, उसे देखेंगे तो आपको ये सारे जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ एक नोट्स के रूप में मिल सकते हैं, उसमें आप लिखा हुआ मैटर आपको मिल जाएगा। अभी हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें वो सिंगल पेरेंट होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन इज देयर एंड सोमेटोजेनिक सोमेटिक सेल से प्रोडक्शन होता है जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स का, तो सो इट इज कॉल्ड सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन। वन मोर थिंग, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स होते बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट। ठीक है, इसीलिए उनके लिए क्या टर्म यूज करी जाती है? क्लोन। द टर्म क्लोन इज यूज फॉर द ऑफस्प्रिंग्स विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। और एग्जाम्पल होते हैं इसमें अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोअन्स, सिलेंट्रेट्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल, अब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? दो पेरेंट होते हैं अपोजिट सेक्स के, एक फीमेल और एक मेल पार्टनर होते हैं, और जो फीमेल है उससे फीमेल गैमेट बनता है, फीमेल जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, और जो मेल है मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। फिर मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जो हम अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, फिलहाल हम जनरल पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ? टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
फीमेल एंड मेल अपोजिट सेक्स के होते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं और फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, हमने बच्चों पढ़ लिया है, तो अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले इस वीडियो में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग से पढ़ेंगे, वो थोड़ा अलग टॉपिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सिंपल है तो हम साथ के साथ में कवर कर लेंगे इसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कई प्रकार के होते हैं, ये दो तीन प्रकार का होता है, आप देखते हैं। सबसे पहले होता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी मतलब टू, फ्यूजन मतलब टूटना। फिर बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से आएंगे, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं और एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, तो हम अमीबा में पढ़ते हैं, आपकी किताब में भी अमीबा में ही दिया गया है। बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा हम जानते हैं, दिस इज अमीबा, इररेगुलर बॉडी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बाइनरी मींस टू एंड फ्यूजन मींस टूटना, ब्रेक होना। फ्यूजन का मतलब जुड़ना, फ्यूजन का मींस ब्रेक होना, टू ब्रेक, ठीक है। तो इसमें जो अमीबा है वो दो में टूट जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है, डॉटर सेल बनाता है, फिर वो न्यू ऑफस्प्रिंग के रूप में इंडिविजुअल अपना सर्वाइव करने के लिए निकलते हैं, तो इसीलिए बाइनरी फ्यूजन में को इसमें वैसे बाइनरी फ्यूजन कहा गया है। देखते हैं कैसे होता है। ये जो बाइनरी फ्यूजन है, ये अमीबा है, ये पेरेंट सेल हो गया, दिस इज पेरेंट सेल, ओके, जिससे ऑफस्प्रिंग बनने वाले होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को या फिर उस सेल को पेरेंट सेल कहते हैं। दिस इज अमीबा, यू कैन सी, एंड दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होना शुरू करेगा, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस स्टार्ट्स एंड आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू एंड न्यू डॉटर सेल्स आर ऑब्टेन। कैसे इलोंगेट होगा, देखो ये है इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो ऐसे इलोंगेट हो गया, ये क्या है न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ साइटोप्लाज्म है, तो इलोंगेशन और इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, स्टार्टेड, शुरू हो गई इलोंगेशन। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, एक ग्रूव, खांच बन जाएगी, ग्रूव बनना शुरू हो जाएगी, ये हमें पता लगने लग जाएगा कि ये दो में डिवाइड होने लग रहा है, देखो ऐसे ये जो है ग्रूव बन गई। ग्रूव किसे कहेंगे, इसे, और जो न्यूक्लियस है ऑलमोस्ट टू में डिवाइड हो चुका है, फिर आगे ये टू में डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना लेगा, ये क्या कहलाएंगी, डॉटर सेल और न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ये तो था हमारा बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अभी हम पढ़ते हैं बडिंग, बडिंग कौन से ऑर्गेनिज्म में होगी, बडिंग हाइड्रा एंड ईस्ट, ठीक है। हाइड्रा इज एन ऑर्गेनिज्म, कैसा होता है हाइड्रा,
बडिंग जो है इसमें बड बनना, बच्चों बड्स बनते हैं और वो बड्स पेरेंट सेल के जैसे डेवलप होते हैं और एग्जिट बड पेरेंट से अटैच रहते हैं और बाद में वो डेवलप होने के बाद अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में सर्वाइव करते हैं। तो देखते हैं ये हमारा डायग्राम बना जैसा भी, ठीक है, हाँ जैसा लग रहा है। तो ये हो गया हाइड्रा, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल, और किसमें होता है ये बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखो एक बड निकल रहा है, ठीक है, ये बड निकलेगा और धीरे धीरे ये जो बड है ये शेप लेगा किसकी, पेरेंट सेल जैसी लेने लगेगा, लेने लगा, पेरेंट भी अपना है एक अलग, सेम वो भी सर्वाइव कर रहा है साथ में और बड डेवलप, ठीक है, यहाँ पे बड डेवलप हो रहा है। अभी हम देखेंगे जो बड है इसमें से डिटैच हो जाएगा और न्यू हाइड्रा के रूप में सर्वाइव करने लगेगा, ठीक है। अब डिटैच हो गया, सो दिस इज बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा में पहले बड बना, दिस इज बड, यू कैन सी दिस इज बड एंड बड इज स्टार्ट ग्रोइंग एंड डेवलप हुआ और उसके बाद वो फुल डेवलप होकर डिटैच हो गया और यहाँ पे दो इंडिविजुअल बन गए, ये एक पेरेंट था और ये न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ये था बडिंग इन हाइड्रा। नेक्स्ट बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट भी ऐसा ही है, किताब में एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट का दिया हुआ है। तो ईस्ट जो है उसमें भी इस प्रकार बडिंग होती है, ये बड बनता है और फिर वो न्यू ऑफस्प्रिंग के रूप में डिटैच हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, इसे पहले हम पढ़, एक टॉपिक रह गया एंसिस्टेशन इन अमीबा। एंसिस्टेशन क्या होता है, एंसिस्टेशन, एंसिस्टेशन बच्चों क्या होता है, एंसिस्टेशन सिस्ट फॉर्मेशन, ये क्या है, सिस्ट फॉर्मेशन, इसमें सिस्ट फॉर्म बनती है, किसमें बनती है, अमीबा में। क्यों क्यों बनती है सिस्ट, ये सिस्ट क्यों बनती है बच्चों, वी नो दैट एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने तरीके का एक एनवायरनमेंट चाहिए, टिपिकल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फूड हैबिट्स की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सो ऑल दीज आर फैक्टर फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। बट जब ये सब उपलब्ध नहीं होते तो हम लोग जैसे भी घर में रह रहे हैं उसी प्रकार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में इनको बचाती है। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने आप को बचाने के लिए अपने आसपास एक थ्री लेयर, और जनरली हमने अमीबा को इरेगुलर शेप में देखा है, ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि अमीबा राउंड हो गया है, तो थ्री लेयर सिस्ट बना लेता है ये, और इसमें जो उसका न्यूक्लियस है ये हो गई थ्री लेयर सिस्ट, और जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल फ्यूजन के प्रोसेस परफॉर्म करता है, यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन होएगा इसमें न्यूक्लियस में, मल्टीपल फ्यूजन होता है, ये सिस्ट फॉर्मेशन जो है ना वही कहलाता है एंसिस्टेशन, सिस्ट का बनना ही एंसिस्टेशन होता है अमीबा में, और मल्टीपल फ्यूजन के बाद अंदर जो है बहुत सारे स्पोरुलेशन स्पोर बन जाते हैं। ये जो सिस्ट बनाने के लिए अमीबा कहाँ से करता है, अपने अमीबा विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया, सूडोपोडिया अमीबा में होते हैं आपको पता है, सूडोपोडिया अमीबा को ट्रेवलिंग में मूव करने में हेल्प करते हैं, तो सूडोपोडिया को विड्रॉ कर ये थ्री लेयर सिस्ट बनाते हैं और फिर अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होने से अंदर स्पोर्स बनते हैं जिनको कहते हैं माइन्यूट अमीबा, अंदर छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा बन जाते हैं, इन माइन्यूट अमीबा को क्या कहते हैं, माइन्यूट अमीबा इज कॉल्ड, किसके अंदर, सिस्ट के अंदर जो माइन्यूट अमीबा है ये कहलाते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स, और ये प्रोसेस होता है स्पोरुलेशन, क्या कहलाएंगे वो माइन्यूट अमीबा, सूडोपोडियो स्पोर्स, ठीक है,
और बाद में जो ये सिस्ट है ये फट जाती है और बर्स्ट हो जाती है, सिस्ट बर्स्ट एंड मैनी स्मॉल अमीबा स्प्रेड आउट एंड टू एंड दे सर्वाइव लाइक अ न्यू अमीबा। जो सिस्ट की वॉल है इसमें ये हो गया सिस्ट और छोटे 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 कई सारे माइन्यूट अमीबा बन गए, फिर ये वॉल जो है ये बर्स्ट हो गई और अमीबा बाहर चले गए। ये प्रोसेस था एनसी स्टेशन का। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा के द्वारा सुडोपोडिया को विद्रॉ करके जो सिस्ट बनाई जाती है, कवरिंग आउटर कवरिंग बनाई जाती है, उस प्रोसेस को एनसी स्टेशन कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहले फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म टूटता है तो जितने टुकड़ों में ये टूटा ना, 1 2 3 4, तो हर एक जो फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़े अलग अलग, तो हर एक जो फ्रेगमेंट है एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। तो यहाँ पे चार टुकड़े हुए तो कितने ऑर्गेनिज्म बनेंगे, 4 न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ये किसमें होता है, स्पॉन्स में और स्पाइर वगैरह में होता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन, इन द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म डिवाइड और ब्रेक डाउन इनटू मेनी पीसेस एंड एवरी पीस परफॉर्म और प्रोड्यूसेस अ न्यू यंग वन, और ऐसे सर्व एज अ न्यू यंग वन के जैसे सर्व करेंगे, तो वो प्रोसेस कहलाएगा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसके बाद है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन। मैं रिप्रोडक्शन लिख देती हूँ। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते, सोमैटिक होते हैं वो। तो वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे लीव्स होगी। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट और एनी ऑर्गेनिज्म इज लीव्स, रूट्स, स्टेम। ओके, बट नो फ्रूट नो फ्लावर, क्योंकि फ्रूट और फ्रूट जो है वो उसमें सीड्स होते हैं और फ्लावर जो है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होने की वजह से फ्लावर को वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट का पार्ट नहीं कहा जा सकता। तो ये लीव, सपोज करो आपने कोई जड़ या स्टेम जो ट्यूबर है, राइजोम बल्ब, ये बन जाते हैं। जैसे पोटैटो है, आपने देखा होगा कि पोटैटो के आंखें जिनको कहते हैं ना आईज आ जाती हैं, उनमें छोटे छोटे अंकुरित होने लगते हैं छोटे छोटे प्लांट्स। तो ये जो पोटैटो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल है। सुगर केन हो गई, ब्रायोफिलम की लीव, ब्रायोफिलम की जो लीव होती है, ये लीव को पत्ती को उगाने से जब इस लीव को उगाते हैं मिट्टी में डाल देते हैं तो इसके जो नोड्स होते हैं या जगह जगह यहाँ से न्यू प्लांट निकल जाता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। ऐसे शुगर केन, स्वीट पोटैटो है, ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स थे ये अभी ओवर हो गए हैं। एक छोटा सा टॉपिक है वो भी पढ़ लेते हैं, वाटर हाइसिंथ का। वाटर हाइसिंथ के लिए बस यही आपको जानना है कि टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं। वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं क्योंकि ये वहां के वाटर बॉडीज में स्प्रेड होती है वीड्स के जैसे, अनवांटेड प्लांट्स के जैसे, अनवांटेड ऑर्गेनिज्म के जैसे, और वहां के जो लेक्स हैं, स्टैंडिंग वाटर है, वहां के उस पानी में ऑक्सीजन को ड्रेन करती है। ड्रेन्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच कॉजेज फिशेज टू डाई, इससे मछलियां मरती हैं और नुकसान होता है वाटर बॉडीज में, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और मछलियां मर जाती है। तो वाटर हाइसिंथ का जो ग्रोथ है, स्प्रेड है, फैलना है, वो बहुत ही एक्सटेंसिव हाई स्पीड में होता है जिसे रोकना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, इट्स ओवर फॉर टुडे। नाउ अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अगले वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।